आज की बिजी लाइफ में लोगों को बालों से जुड़ी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, फिर चाहे वो बालों का गिरना हो या फिर बालों का पतला होकर ग्रोथ में कमी। आप ऐसे में बाल गिरेंगे या फिर बढ़ेंगे, इससे बचने के लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी लेके आया है, जिससे आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आपके बाल गिरने बहुत कम हो जाएंगे। ये रेमेडी आज आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होने वाला है, आपके बाल गिरने से बहुत कम हो जाएंगे पहले से ज़्यादा, और ये आपके बालों को सॉफ्ट, सिल्की और शाइनी बनाएगा। साथ ही साथ इसमें बालों से जुड़ी कई सारी परेशानियों को भी ख़त्म कर देगा। और इसके यूज़ के बाद आपको कंडीशनर यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके फर्स्ट यूज़ के बाद ही आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, सिल्की और शाइनी हो जाएंगे, और आपको इसके लिए ज़्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए फिर देखते हैं। तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत अच्छी रेमेडी लेके आए हैं, लेकिन रेमेडी स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बगल में जो बेल आइकन उसको प्रेस जरूर कर दें। चलिए रेमेडी देखते हैं। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए हमने जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट लिया है वो है एलोवेरा जेल। ये मैंने मार्केट बेस्ड एलोवेरा जेल लिया है। अगर आपके पास मार्केट बेस्ड नहीं है तो आप प्लांट बेस्ड भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके पास मार्केट बेस्ड है तो उसको क्या हो कि आप रेमेडी बना के इसको आप स्टोर भी करके रख सकते हो, लेकिन आपने अगर प्लांट बेस्ड लिया हुआ है तो उसको आप बना के स्टोर नहीं कर सकते, एक हफ्ते से ज़्यादा उसको नहीं स्टोर कर सकते। और अगर आपने मार्केट बेस्ड लिया है तो उसको आप एक मंथ तक स्टोर कर सकते हैं। तो इसका लगभग छोटे टेबल स्पून से 1 टेबल स्पून लेना है। ये टेबल स्पून मेरा बड़ा था इसलिए मैंने हाफ ही लिया हुआ है। और इसी के साथ सेकेंड इंग्रेडिएंट जो है इसमें हम वो लेंगे हनी। हनी लगभग 1 टेबल स्पून का हम लेंगे, जिसको हिंदी में शहद भी कहते हैं। एलोवेरा बालों को जड़ से मजबूत बनाता है, जिससे बालों में बहुत अच्छा ग्रोथ होता है। और इसके अलावा एलोवेरा स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर बनाता है। और शहद में सूदिंग गुड़ होता है जो स्कैल्प को पोषण प्रदान करता है, जिससे बालों का विकास बेहतर होता है। शहद में हाइड्रेटिंग गुड़ होता है जो बालों में नमी बनाए रखता है। तो बस इसको क्या करना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैंने सिर्फ एक दिन की यूज़ के लिए बनाया इसलिए मैंने क्वांटिटी कम रखी। अगर आपको स्टोर करके रखना है तो आप क्वांटिटी इसी के हिसाब से आप क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, या फिर आपको जब भी यूज़ करना हो आप इसको बस बना के लगा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो हमने एलोवेरा जेल डाला हुआ है उसमें सैलिसिलिक एसिड होता है, जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं। इसके अलावा इसमें थनिन गुड़ होता है। इसके यूज़ से बाल बहुत हेल्दी होते हैं और बालों को बहुत ज़्यादा पोषण मिलता है। और हनी के यूज़ से बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। हनी का स्वाद तो मीठा होता है और लेकिन ये कई गुणों से भरपूर होता है। यह बालों के लिए किसी औषधि से कम नहीं है। शहद में एमोलिएंट होता है जो स्कैल्प को सॉफ्ट रखता है, और साथ ही साथ इसमें ह्यूमिडेंट होता है जो स्कैल्प में नमी बरकरार रखता है, जो बालों को अलग से कंडीशनर लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, इतना ज़्यादा काम करता है। और इसमें जो रूसी जैसी समस्या होती है ना बाल में, किसी किसी के सर में रूसी होती है, जुआ होते हैं, जुआ तो नहीं खत्म करेगा ये, लेकिन रूसी को जड़ से ही खत्म कर देगा, इतना ज़्यादा काम करता है ये। यानी ये स्किन के लिए भी कितना बेहतरीन होता है और बालों के लिए भी कितना बेहतरीन होता है, इसके फर्स्ट यूज़ के बाद ही आप समझ सकते हैं। और इसे आप मेरी कहने पर मत यूज़ करिए, आप इसको गूगल पर सर्च करिए, इसके बारे में पढ़िए कि कितना पोटेंट है बालों के लिए, पूरा जानकारी आप लीजिए फिर यूज़ करिए। और हाँ, यूज़ के बाद आप कमेंट बाद में आके ज़रूर करिएगा कि आपके लिए कितना बेनिफिशियल हुआ ये रेमेडी। अगर आपके बालों में नहीं काम किए तो आपको अपने बालों को किसी डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए कि इसके क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ये रेमेडी बहुत ही बेनिफिशियल है। और इसी के साथ साथ कोई भी रेमेडी आप अगर आप अपने बालों पर यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको इंटरनली भी हेल्दी रहना होगा। अगर आप इंटरनली हेल्दी हो तो बाहर से आपके बाल बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। तो बस इसको क्या करना है, बालों में लगाना है, लेकिन बालों में लगाने से पहले क्या करना है, बालों को किसी मोटे दांत वाले कंघे से अच्छे से डिटेंगल कर लेना है। उसके बाद फिंगर टिप की हेल्प से पूरे बालों में इसको अप्लाई कर लेना है, और इसको अप्लाई करके कम से कम आप 1 से 2 घंटे रखिएगा, उसके बाद आप हेयर वॉश आसानी से कर सकते हैं। तो बस इसी तरीके से आप अपने पूरे बालों में अप्लाई कर लीजिए, ये रेमेडी बहुत काम करने वाली है आपके बालों के लिए। इसके बाद आपको अलग से कंडीशनर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एलोवेरा में बीटा कैरोटीन और फोलिक एसिड होता है, जो बालों की त्वचा को बेहतर बना के जड़ों को बहुत मजबूत बना देता है। तो इसको आप वीक में कम से कम 2 बार यूज़ करिए, उसके बाद आपको रिजल्ट बहुत अच्छा दिखने लगेगा। और इसको कम से कम आप 1 महीने से 1.5 महीने के बीच में यूज़ करिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि ये कितना ज़्यादा काम कर रहा है बालों में। तो फिर उसके बाद क्या करना है, आपको किसी भी नॉर्मल शैम्पू से हेयर वॉश कर लेना है, उसके बाद आपके बाल भी पहले से बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, सॉफ्ट, सिल्की, शाइनी हो जाएंगे। और ये रेमेडी अगर आपके लिए थोड़ा भी बेहतरीन साबित हुआ तो बाद में आके आप कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कमेंट देख के ही आते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको ये थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो मेरे वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर कर दें, ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।